मुझे आपके साथ एक फोटो खिंचवानी है मैडम, एक फोटो खिंचवानी है प्लीज, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, एक ऑटोग्राफ। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, एक फोटो, एक फोटो मैम, मुझे भी एक फोटोग्राफी प्लीज, एक फोटो। रवि, रवि, एक तो तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से ये सब। प्लीज आप साइड में देखिए, प्लीज साइड में प्लीज देखिए, मैम की तबीयत बहुत खराब है, अपने प्रशांत कीजिए प्लीज, आप साइड प्लीज, आप देखिए प्लीज साइड पे प्लीज, प्लीज प्लीज साइड पे लीजिए प्लीज, प्लीज आप साइड। रवि जी, मैम मेरी तबीयत खराब है और मुझे घर जाना है, तुम गाड़ी निकालो, मैं चेंज करके आती हूँ। जी मैम। कौन है वहां? कर भी सकता हूं, कौन है यहाँ? कौन है? विराज, विराज तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने प्यार की गहराई दिखाने के लिए मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? क्या कर, कम बात पीछा छोड़ता है? अरे हजारों कोशिश कर ली मैंने, लेकिन तुम्हारा ख्याल मेरे दिल से निकलता है। तुम्हारे तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से छोड़ा है मैंने तुम्हें, और अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, समझे तुम? रिश्ता तो रहेगा, प्यार का ना सही नफरत का है, और खून भी बहेगा, या मेरा या तुम्हारा। आखिरी बात हो, हाँ या ना? तुम पागल हो गए हो, हाँ या ना? बचा, बचा, कोई नहीं बचा, बचा, ना मैं, बचा, अरे, ले जाओ इस पागल को यहाँ से, ले जाओ इस पागल को यहाँ से, ये मुझे मारना चाहता है। तेरी हिम्मत, चल बात, ये, औकात मेरे के बात कर, वे चल मेरे को नू, वे चलता है कि पुलिस को बुलाऊँ, चल, मेरी बात को ध्यान में रखना। अरे साहब, आप अंदर नहीं जा सकते, नशे में पहचानता नहीं कौन हूँ। समझा कीजिए विराज साहब, मेम साहब का दिमाग अभी बहुत गर्म है इस वक्त, उन्होंने मुझे खास बोला कि आपको अंदर मत आने देना। चल और चोंच बंद रखना। अरे सर नहीं, वो आप मुझे रिश्वत दे रहे साहब। अरे नहीं नहीं, रिश्वत नहीं, ये तो तेरी अंग्रेजी दारू के लिए पैसे हैं, अब कब तक तू देसी दारू पीता रहेगा, चल आज इंग्लिश दारू पी। ठीक है साहब, जब आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ साहब, लेकिन साहब आप मैम साहब को बताना मत साहब, मेरे बारे में मत बताना, उनसे कह देना कि
वॉचमैन को धक्का देके मैं अंदर आ गया। बड़ा समझदार, बहुत आगे जाएगा। ₹500 की नोट की खुशबू बहुत मीठी होती है। अरे साहब याद रखना, भूलना नहीं साहब, भूलना नहीं। पता नहीं कैसे इस विराज से पीछा छुड़ाऊं, और कहीं अगर मुझे सच में चाकू मार देता तो। मैम साहब। सुधा तुम, क्या बात है, अंदर आ जाओ सुधा। क्या बात है सुधा? वो विराज साहब आपसे मिलने आए हैं। कौन? विराज? हे भगवान, ये फिर से यहाँ पे आ गया, तुमने अंदर कैसे आने दिया उसे? मैम साहब, लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो पहले भी आते थे। वो पागल हो गया है, और मैंने मना किया था इस वॉचमैन को भी कि उसे गेट के अंदर भी मत घुसने देना, फिर क्या करूं? तुम एक काम करो, उसे जाके बोलो कि मेम साहब सो गई हैं और उनकी तबीयत भी खराब है, जाओ जल्दी जाओ। मधु, विराज, मैं जानता था तुम इतनी जल्दी नहीं सोगी, और तुम सोते हुए तो और भी खूबसूरत लगती हो ना। विराज तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। मधु, तुम मुझसे डर रही हो? मुझसे? देखो मधु, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बस एक बार मेरी बात सुन। बस तुम रुक जाओ वहीं पे, मुझे कुछ नहीं सुनना है और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, जाओ तुम यहाँ से। चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर, लेकिन बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज, सिर्फ एक। ठीक है, कहो तुम्हें क्या कहना है। मधु, क्या अकेले में बात नहीं कर सकते? सुधा। हाँ सुधा, तुम जाओ। जी मैम साहब। कहो, जल्दी कहो तुम्हें क्या कहना है। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। मेरे पास। ओके, थैंक्स। आज भी एसीपी साहब नहीं आए? नहीं सर। अरे अभिजीत, एसीपी साहब वापस कब आ रहे दिल्ली से? आज सुबह ही फोन आया था उनका, कह रहे थे एक हफ्ता और लग जाएगा। एक हफ्ता और? क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही। हाँ सर, काफी सूना सूना लग रहे हैं उनके बगैर। सूना सूना? मैं भी यही सोच रहा था। सूना सूना है? तुम लोगों को ये शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है क्या? यार मैं वो बात नहीं कर रहा था सर। ऐसी बात नहीं है, शांति से तो अच्छा एसीपी सर का चिल्लाना ही है। अच्छा सर, फ्रेडी सर भी उनके साथ गए हैं या? और तुम्हारा भी मन फ्रेडी साहब के बगैर लगता नहीं है, हैं? नहीं सर, वो फ्रेडी आज नहीं आने वाला। क्यों सर? फ्रेडी आएगा, जरूर आएगा। मैं फ्रेडी सर की आत्मा की आवाज है। कैसी बातें कर रहे हो तुम विवेक? क्योंकि ये केक मेरी वाइफ ने बनाया है। अरे यार फ्रेडी, मुझे लगा आज तुम नहीं आओगे, कम से कम आज क्रिसमस के दिन तो छुट्टी ले लो यार। सर आज क्रिसमस है? या मैं क्रिसमस सर। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस फ्रेडी। मेरी क्रिसमस फ्रेडी। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस सर। थैंक यू सर। भाई सर, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस सर। केक तो बहुत अच्छा है। थैंक यू।
ये क्रिसमस का केक तो आ गया, अब तुम जा सकते हो, छुट्टी ले लो। अरे नहीं नहीं सर, सीआईडी की ड्यूटी पहले है सर, ये फेस्टिवल वगैरह तो आते रहेंगे। वाह बढ़िया केक है। थैंक यू सर, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है मेरी वाइफ ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब आप लोगों को इतने प्यार से केक खाते हुए देख के मेरी वाइफ बहुत खुश होगी। फोन उठाना है प्लीज। हेलो सीआईडी ब्यूरो, क्या खून वहां पे? काफी गहरा निशान है, गला घोट के मारा गया है, बड़ी बेदर्दी से गला घोटा गया है, बहुत नफरत होगी खूनी के दिल में। खून जो है ये खाव है छोटा सा यहाँ पे। मेरे ज्यादा गहरा घाव नहीं है, मौत शायद गला घोटने की वजह से हुई है। मतलब खूनी जब इसका गला घोट रहा होगा तो इसका सर आसपास दीवार में कहीं टकराया होगा। ये देखो यहां पे खून है, यहां पे सर टकराया है, इसका मुंह इस तरफ होगा। मतलब खूनी यहां खड़ा होगा। इसकी हाइट 5 फीट 4-5 इंच होगी ना। खूनी का हाइट भी लगभग 5'9" या 10" होना चाहिए। मेम साहब का खून जरूर उस विराज साहब ने किया होगा, वो ही यहाँ पर आए थे। वो फिल्म स्टार विराज कुमार? हाँ जी। लेकिन वो तो आपकी मेम साहब का बॉयफ्रेंड था ना, फिर वो क्यों मारेगा? ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, पर मेम साहब की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। अच्छा ये बताओ कि मधुमती की लाश तुमने पहली बार कब देखी? जब मैं मेम साहब के लिए दूध लेकर आई थी। विराज के वापस जाने के बाद? जी हाँ। तो जब विराज तुम्हारी मेम साहब को यहाँ अंदर कमरे में मार रहा था तो कमरे के बाहर तुम्हें मेम साहब की चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनाई थी? थक गई थी साहब, थोड़ी देर के लिए आँख लग गई थी, पर जब नींद खुली तो मैं मेम साहब के लिए दूध लेकर आई और बस ये लाश देखी मैंने। अच्छी कहानी, जैसे ही ये कमरे से बाहर निकली तुरंत ही इसकी आंख लग गई। मधुमती कमरे में चीखती चिल्लाती रही होगी पर इसके कान में एक चीटी तक नहीं रहेगी, क्यों? देखो सच सच बताओ, कहीं तुम्हारा भी तो हाथ नहीं है इस खून में? मुझे क्यों फंसाते हैं साहब, पकड़ना ही है तो उस चंदू वॉचमैन को पकड़िए ना, जिसने मेम साहब के मना करने के बाद भी उस विराज कुमार को अंदर आने दिया। कहाँ है ये चंदू वॉचमैन? यहीं पर तो था, शायद बाहर चला गया। अरे बिना वजह मुझे क्यों फंसा रही हो? मधुमती ने मना किया था ना तुझे कि विराज को अंदर आने मत देना, हाँ? नहीं तो? हाँ साहब मना किया था, फिर भी इसने उन्हें अंदर आने दिया। क्यों? क्या था ना मना? ए साहब वो हाथापाई करने लगे थे साहब, धक्का भी दिया था साहब मुझे। हाथापाई किया उसने और तुमने रोका नहीं, जाने दिया उसे? तुम तो गरीब आदमी है साहब, बड़े लोग कैसे मना कर सकते हैं साहब? गरीब आदमी को तो बाद में देख लेंगे, पहले इस बड़े आदमी से मिल लेते हैं। CID. CID? क्या बात है सर? साहब घर पे हैं? विराज साहब? हाँ, डिस्को किंग विराज साहब, बुलाओ उसे। वो तो नहीं है साहब। CID का नाम सुना, साहब घर पे नहीं है? फिर को अच्छी तरह से देखो। अरे क्या हो रहा है, गंगू कौन है ये लोग? मैम साहब ये लोग CID से विराज साहब पूछ रहे। CID से? विराज के घर CID? आप? मैं विराज की माँ हूँ, क्या हुआ? हम लोग विराज को ढूंढ रहे हैं। क्यों? एक खून हो गया है। खून? या खून? विराज से कुछ सवाल पूछ रहे हैं।
किसका फोन हुआ है? सर, घर में तो कोई दिख नहीं रहा है। विराज कहाँ गया? जी वो पनवेल वाले फार्म हाउस पर गया है। पनवेल वाले फार्म हाउस पे? हाँ, आज सुबह ही गया है और दोपहर को लौटा तो काफी घबराया हुआ सा था। घबराया हुआ था? क्यों? पता नहीं, मैंने जब पूछा क्या हुआ है तो न जाने क्या बड़बड़ाने लगा। मैं तो कुछ समझी ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर कहने लगा मैं पनवेल वाले फार्म हाउस पर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। आप जरा फार्म हाउस का एड्रेस दीजिए, जरा देखें तो सही, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा जो उसे पनवेल भागना पड़ा। अरे एक मिनट, जय, किससे मिलना है? विराज साहब से मिलना है। फार्म हाउस पर नहीं साहब। अरे, पर उनकी माँ ने तो बताया था कि वो यहीं फार्म हाउस पे। यहाँ फार्म हाउस में मैं रहता हूँ ना, मैं बताऊँ या उनकी माजी बताएंगी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने तो क्या हुआ, पिकनिक मनाते अंदर चलो। आ, बड़ा ही प्यारा फार्म हाउस है सर, यहाँ पे पिकनिक मनाने में मजा आएगा। देखिए भाई साहब, अगर आपको पिकनिक मनाना है तो जो जो पार्टी जाइए, इस तरह से घुसे आ रहे दूसरे फार्म हाउस पर। विराज है कि नहीं घर में? फिर वही बात, कहा ना, कोई जरूरत है क्या? कौन है आप लोग? सीआईडी से। चलो चलो हटो, चलो हटो सब सब सब। अंदर छुप के तू नहीं बैठा तुम्हारा साहब? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे साहब घर पर नहीं है। जी वो साहब ने कहा था चाहे कोई भी आए उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। बाकी के घर में कोई नहीं है सर। मैंने कहा ना साहब सो रहे अंदर। मधुमती को हमेशा के लिए सुला के खुद घोड़े बेच के सो रहा है। सुनेगा नहीं, तोड़ दो दरवाजा। क्या ये तो मर चुका है? हाथ पे सर पे चोट लगी है। क्या हो गया साहब को? हमारे साहब को जो होना था हो गया, साहब मर चुके हैं। हम लोग तो यहाँ इसे पकड़ने आए, लेकिन हमारे आने से पहले ही किसी ने इसे सुला दिया। सर लगता है कि मधुमती के खून में विराज के साथ साथ कोई और भी शामिल था और उसी ने कहा होगा विराज को मधुमती का खून करने के लिए। हाँ, और जैसे ही उसे पता चला कि हम लोग विराज को पकड़ने वाले हैं, उसने विराज को मार डाला। लेकिन विराज तो खुद इतना बड़ा स्टार है, वो किसी और के लिए काम करेगा ऐसा लगता नहीं है। और फिर मधुमती के घर में तो ये अकेले गया था ना। एक बात और है अभिजी, ये कमरा तो अंदर से बंद था, तो फिर मारने वाला कमरे से बाहर गया कैसे होगा? मतलब वो अभी भी है यहाँ पे? हाँ, यही होना चाहिए, और तो कोई बाहर जाने का रास्ता है नहीं। बाथरूम, बाथरूम में तो नहीं छिपा है? क्या हुआ? कंधे से गोली चल गई सर। अंदर भी कोई नहीं है। तुमने कहीं तुमने तो नहीं मारा विराज को? हैं? इसलिए हम लोग अंदर आने से रोक रहा था। नहीं सर, मैं कैसे मार सकता हूँ सर, मैंने विराज साहब का नमक खाया है। नमक बहुत सस्ता मिलता है आजकल, क्यों मारा तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं मारा, मैं तो बाहर था, अब इस बीच पता नहीं कौन अंदर आ गया और मार गया। बड़ा ही वफादार वाचमन है सर, घर के अंदर किसी ने मालिक को मार डाला और ये बाहर खर्राटे मारता रहा। तुमसे बाद में निपटेंगे, इस लाश को भी फॉरेंसिक लैब लेके चलो। क्या यार, एक लाश का खूनी पकड़ा नहीं गया और तुम लोगों ने दूसरी लाश ला करके पटक दी। अरे तो क्या करें डॉक्टर साहब, खून करने वाला ही मर जाए तो क्या उसकी लाश रास्ते में फेंक दें? उसे किसने मारा ये भी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। मधुमती का खून किया इस विराज को मारने। इस विराज को मारने? जी हाँ, अब इसे किसने मारा है ये ढूंढना है। नहीं 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 अभिजीत, बस मुझे लगता है तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अरे क्या मैं शराब पीता हूँ? ये किसने कहा? कोई और गलत शौक है मुझे? नहीं यार। अरे तो फिर गलत रास्ते पर कैसे जा रहा हूँ मैं? वो ये, इस विराज कुमार ने मधुमती का खून
किया ही नहीं। क्या? मतलब इसने मधुमति को नहीं मारा? ना। और दूसरी बात ये बॉस कि इस विराज कुमार के खूनी को आप लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। ऐसा कभी हो सकता है? एक बार सीआईडी जिसके पीछे पड़ गई, आपको लगता है डॉक्टर साहब वो कहीं छुप सकता है? उसे छुपने की जरूरत ही नहीं है बॉस। क्यों? क्योंकि विराज का खून नहीं हुआ है, ये तो हार्ट अटैक से मरा भाई। ना? तो फिर इसके सिर पे ये चोट के निशान कैसे? बॉस जब विराज कुमार को हार्ट अटैक आया होगा तो तड़पा छटपटाया और उसी छटपटाट में जमीन पर गिरा और गिरने से इसके सर पर चोट आ गई। और जो हाथ पर जख्म है वो? इसके हाथ के जख्म से हमें कुछ मिला है। मिला है? क्या क्या मिला है तारिका जी? क्या 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 मिला है? ये देखिए। कांच का टुकड़ा? हाँ विजय, जब विराज को दिल का दौरा पड़ा होगा उस वक्त उसका हाथ जाकर किसी कांच के ग्लास से या बॉटल से टकराया होगा, उसी से हुआ यह जख्म। ये देखिए। चलो सर, अच्छा है, केस खत्म। मधुमति का खून विराज ने किया और विराज मर गया दिल के दौरे से। खेल खत्म, पैसा हजम। एक मिनट बॉस, मैंने आप लोगों को बताया ना, इस विराज कुमार ने मधुमति का खून नहीं किया। अरे हाँ, ये बात तो अधूरी रह गई थी। ये क्या चक्कर है? वो चक्कर ये है अभिजीत कि इस विराज कुमार की मौत हुई रात को 9:30 बजे और इस मधुमति का खून हुआ रात को 11 बजे। अरे आपको पूरा यकीन है डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली पूरा यकीन है अभिजीत। ये विराज कुमार बेचारा तो मधुमति के खून से पहले ही मर गया था। और एक चीज जो शायद आप लोगों को उस खूनी तक ले जा सके। वो क्या? ये मधुमति के मुंह में से हमें ये जैकेट का बटन और ये धागा मिला है, और ये जैकेट का टुकड़ा भी। मुंह में? ये लड़की अपने आप को बचाने के लिए एक खूनी के हाथ पर काटने की कोशिश कर रही होगी और उस दौरान शायद खूनी का जैकेट, ये बटन और धागा इसके मुंह में रह गया होगा। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर विराज की मौत 9:30 बजे हुई और मधुमति मरी 11 बजे, तो फिर मरा हुआ विराज उसे मार कैसे सकता था? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आत्माएं बहुत आने लगी है। हाँ? अब ये क्या चक्कर है फ्रेडी? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आत्माएं? हाँ सर, जैसे मौसम खराब होने की वजह से स्वाइन फ्लू और डेंगू फैल रहे, वैसे ही आत्माएं जिंदा होने लगी है। अब ऐसा मुझे लगता है, नहीं तो सर मरा हुआ विराज मधुमति को कैसे मार सकता है? इसका एक ही मतलब है, विराज की आत्मा ने मधुमति को मारा है। रेडी, अच्छा हुआ एसीपी साहब इस गाड़ी में नहीं है, वो तुम्हारी ऐसी बकवास बातें सुनकर वो तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक देते अभी। हाँ सर, या तो फ्रेडी सर को कार के बाहर फेंक देते या फिर अपने कपड़े फाड़ लेते। फ्रेडी जब जब मुंह खोलता है तब तब एसीपी साहब हाथ ऊपर करके बोलने लगते हैं, हे भगवान उठा ले मुझे, हे भगवान तू उठा ले मुझे। लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है मरा हुआ विराज मधुमति को मारने उसके घर कैसे पहुंच गया। विराज वहां पे क्यों गया ये तो पता लगा ही लेंगे फ्रेडी, पर शायद ये हो सकता है कि जब विराज ने मधुमति पे अटैक किया तो उस वक्त वो मरी नहीं हो, बेहोश हुई हो और बाद में मरी हो, और इसी बीच विराज अपने फार्म हाउस में गया और वहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। और विराज के मरने के 1.5 घंटे बाद मधुमति भी बेहोशी में ही ज्यादा खून बह जाने की वजह से मर गई। करेक्ट। हाँ, या तो बेहोशी में मर गई या फिर वॉचमैन या नौकरानी ने उसे मार दिया। विराज के घर चली रहे, पता लग जाएगा वहां पे क्या हुआ। आप लोग फिर से अब क्या लेने आए हैं? चैन नहीं पड़ा आपको? मेरा बेटा तो चला गया। देखिए, उसका हमें अफसोस है मगर खूनी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। मतलब आपको अभी भी यही शक है कि खून मेरे बेटे ने किया है? अब क्या उसके लाश को फांसी पर चढ़ाएंगे? अरे आप गलत समझ रही हैं। और हमने कब कहा कि खून विराज ने किया है? हमें लगा कि अगर उसके कमरे से कोई ऐसा सबूत मिल जाए तो असली खूनी तक पहुंच सकते हैं। पर उसके कमरे से ही क्यों? मतलब आपका शक अभी तक गया नहीं, तो आ जाइए अपने मन की मुराद पूरी कर लीजिए। अगर ऐसा करने से मेरे बेटे के सर से खून का दाग हट सकता है तो ऐसा ही सही। तो हम विराज का कमरा देख सकते हैं?
अभिजीत ये देखो वैसे ही जैकेट। मधुमते के मुंह में से हमें ये जैकेट का बटन और ये धागा मिला। बटन देखो जरा इसका। कोई बटन भी टूटा नहीं है, जैकेट भी फटा नहीं और ना ही धागा निकला हुआ है। मतलब ये वो जैकेट नहीं है? मतलब साहब दया, बात भी विराज नहीं थी। ऐसी जैकेट पहन के कोई विराज बन गया था। मेरा तो दिमाग चकरा गया सर। विराज विराज नहीं था, उस आदमी ने जो जैकेट पहनी थी वो उसकी नहीं थी, तो फिर किसकी थी? एक आप जरा फिर से याद करके बताइए उस दिन क्या हुआ था, सब कुछ बताइए। जी, विराज सुबह से गया था और दोपहर को वापस लौटा था। और ये विराज वापस आया क्यों था दोपहर को? जी, वो उसकी लाल रंग की गाड़ी कुछ तकलीफ दे रही थी, उसे छोड़ने के लिए वो घर पर आया था और सुबह से कुछ परेशान भी था। किस बात के लिए परेशान था, उसने बताया नहीं आपको? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो अपनी सफेद वाली कार लेकर फार्म हाउस चला गया, कह रहा था कुछ जरूरी काम है और रात भर वहीं पर रुकेगा। अच्छा, इस बीच में कुछ और नहीं हुआ विराज के जाने के बाद? मतलब कोई उसे मिलने आया हो, किसी ने पूछा हो उसके बारे में? हाँ, वो ड्राइवर आया था लाल रंग वाली कार की चाबी लेने के लिए। ड्राइवर लाल रंग की गाड़ी की चाबी लेने? हाँ, वो गाड़ी खराब हो गई थी ना, उसे मैकेनिक के पास ले जाने के लिए। एक मिनट दया, ये मधुमति के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कि विराज लाल रंग की गाड़ी में आया था मिलने उससे। अगर ये लाल रंग की गाड़ी वाकई खराब थी और ये ड्राइवर उसे गैराज ले गया था रिपेयर कराने के लिए, तो फिर ये विराज लाल रंग की गाड़ी लेकर वहाँ मधुमति के घर कैसे पहुंचा? सब ड्राइवर का छोल जाल है दया, इस ड्राइवर से मिलना पड़ेगा। डांस मत कर समझा। ये डांस क्या? दरवाजा। लगता है फेडीसन ने दरवाजे के ऊपर एक दर्द भरा गाना लिखा। वाह, क्या बात है फेडीसन, गाने में आलाप भी है। सर, अब और नहीं रुक सकता सर, दरवाजा तोड़ दो सर, फट जाएगा। फेडी, मैंने ऐसे सोच लिया है कि दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मैं आपका पाप उठाऊं। सर सर सर, ये आखिरी दरवाजा तोड़ दो सर, भगवान आपका भला करेगा। अरे तोड़ दो यार, ये कहीं यही न कर दे। जी रोको मत, यही कर देगा वो। कर देगा क्या? कर देगा। विराज की लाल रंग की गाड़ी तुम ले गए थे ना? विराज साहब की लाल रंग की गाड़ी? हाँ, कौन से गैराज में लेकर गया? क्यों, यही बताएगा या CID ब्यूरो में बताएगा? CID कौन से गैराज में लेके गया था? हा? जी वो पंकु गैराज मलाड। मिल गया। क्या मिल गया सर? आराम। उस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी? कार्बेटर में कचरा आ गया था सर। अच्छा, ये गाड़ी वापस कब ले गया था घर में? अगले दिन। उसे रात में क्यों नहीं ले गया? उस रात गाड़ी का काम करवाते करवाते काफी देर हो गई थी साहब, इसलिए। चलो ठीक है, हमें भी ले चलो इस बंकू गैराज में। चलो, यहीं पे लाया था कार? हाँ सर। अरे बांद्रे, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है?
अभी तुझे कहा था ना। बे इनसे बात कर, ये सीआईडी वाले हैं। कल शाम को जो कार लाया था ना उसके बारे में बता, नहीं तो ये मेरे हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है हम खुद पूछ लेंगे कि इसकी तबीयत कैसी है। सुना है जुकाम हुआ था तुझे? मुझे? हाँ तुम्हें? ये आदमी यहाँ पे कार लेके आया था रिपेयरिंग के लिए। हाँ सर। कौन से रंग की कार थी? सफेद। क्या सफेद रंग की? ये तो बोल रहा था कि लाल रंग की कार थी। ये झूठ बोल रहा है साहब, लाल रंग की गाड़ी थी। सफेद रंग की क्यों बोल रहा है, पागल हो गया क्या? हाँ सर याद आया, लाल रंग की थी। सॉरी सर। चलो अच्छा है, याद तो आया। कब लाया था कार? कल शाम को। अरे ये बोल रहा है दोपहर में लाया था, तू बोल रहा है शाम को? हाँ वही साहब, 4 बजे, दोपहर और शाम के बीच का टाइम था साहब। ये हो क्या रहा है, हैं? क्या खराबी क्या थी कार में? कन्वेयर बेल्ट टूट गया था। मैंने तुमसे नहीं, मैंने इससे पूछा। और तुम तो कह रहे थे कि कार्बोरेटर में कचरा था, क्यों? दोनों ही प्रॉब्लम थी, वो बेल्ट भी टूट गया था और कार्बोरेटर में भी खराबी थी। हाँ साहब। अच्छा दोनों प्रॉब्लम थे, कमाल है। बिल दिखाओ जरा। बिल तो नहीं है सर। और गेट पास भी नहीं बनाया होगा? नो सर। बेल्ट टूटी, कार्बोरेटर भी टूटा, और क्या क्या टूटा था कार में? और क्या क्या टूटा था? ओ, इसका तो कंप्यूटर गया। अब देखो कैसे बोलेगा। क्यों भाई साहब, कुछ याद आया? मैं सच बोलता हूँ साहब, सच बोलता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, इसने फंसाया मेरे को। अरे क्या रहे हैं? और क्या क्या टूटा था ये तो बता जा। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मैं पैसे की लालच में अंधा हो गया और मैंने विराज साहब की लाल रंग की गाड़ी 1 घंटे के लिए भाड़े दे दी। बॉस की गाड़ी भाड़े पे दे दी तुमने? हाँ साहब, 1 घंटे के 10,000 रुपए दिए थे उस आदमी ने मुझे। क्या 1 घंटे के 10,000 रुपए, वो भी सिर्फ कार के लिए? सर या तो ये आदमी बहुत बड़ा रईस होगा या फिर उल्लू का। सॉरी है कौन वो आदमी जिसे कार किराए पे दी थी तुमने? बब्बन नाम है उसका, उसको मैंने कहा कि कोई दूसरी गाड़ी दिला देता हूँ पर वो जीत पे अड़ गया। उसने कहा कि मुझे साहब की लाल रंग की गाड़ी ही चाहिए। उसे वही गाड़ी क्यों चाहिए थी, पूछा नहीं तुमने? पूछा था। उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को इस तरह की गाड़ी बहुत पसंद है और उसको लेके वो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला है। तो वो जो बटन मिला था जैकेट का, वो असली पीकॉक ब्रांड का नहीं है, मतलब वो जैकेट नकली है, डुप्लीकेट। और इस तरह के जैकेट फुटपाथ में सस्ते में मिल जाते हैं सर। तो ये सारा का सारा चक्कर नकली जैकेट का है, डुप्लीकेट। बबन रहता कहाँ है? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन अक्सर वो बार में शराब पीने जाता है। कौन सा बार? साहब यही बार है जहाँ पर मैं उस बबन से मिला था। झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वो रोज यहाँ आता है और 1 क्वार्टर शराब पीता है। ठीक है थोड़ी देर इंतजार कर लेते, चलो। दुआ करके बबन यहाँ आ जाए, अगर वो यहाँ नहीं आया ना तो गया काम से बेटा। पता नहीं आज क्या होगा। हो गए सर, कोई 56 नहीं आने वाला। इधर है बाबा। पता नहीं साहब आज क्या हो गया,
कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। नहीं सर, थोड़ी देर और रुक जाइए, शायद आ जाए। जग्गू कैसा है साहब? ये जग्गू है। जग्गू? कौन जग्गू? बबन का दोस्त है साहब। बबन का दोस्त? हाँ सर, बबन इसी के साथ बैठकर शराब पीता है। अबे वेटर, एक प्लेट पनीर टिक्का और एक बोतल बियर के लेके आ, जल्दी। पनीर टिक्का अकेले अकेले खा रहा है? दोस्त से लगा? बबन के आने से पहले ही खा रहा तू? तेरे बाप का खा रहा हूँ क्या? हम लोग बाराती हैं, बबन को ससुराल ले जाने आए, समझे? ए बाराती है तो बारात में जाके नाचो ना, मेरे दिमाग का दही क्यों कर रहे हो? नाचेगा तो तू भी भाई। बबन का जबरदस्ती है क्या? नहीं बताता? नहीं बताएगा? नहीं नहीं बताएगा? अरे बोला ना नहीं बताऊंगा। बियर पीने के और भी तरीके हैं। पता था बबन आज नहीं आएगा साहब। आइए सर। कहाँ पे? वो देखिए सर, उस लॉज में ही रहता है बबन। लॉज में? उसका कोई घरवार नहीं है क्या? अरे नहीं सर, कई सालों से इधर ही किराए का कमरा लेके रहता है। अच्छा साहब, मैं किसको? चलो निकलो। मेरा नाम मत बताना साहब। निकलो निकलो, चलो देखते हैं है कौन ये बबन। मैडम इस वक्त हमारे पास कोई भी कमरा खाली नहीं है। हाँ जी मैडम। इतने सारे लोग? हाँ। कोई बात नहीं, सिंगल सिंगल वाले कमरे चाहिए या डबल बेड वाले? देखिए हमारे पास ज्यादा कमरे नहीं है। हमें तो सिंगल आदमी से ही पूछना है। एक मिनट, देखिए हमारे पास सिंगल रूम एक ही है। ये लो, इस पे अपना नाम लिखो और बाकी लोग जो है दूसरे होटल में जाकर देख लीजिएगा। भाई साहब आप दूसरे का नाम क्यों देख रहे हो? आप अपना नाम लिखो ना। ये बब्बन सिंगल रूम में रहता है या डबल रूम में? कौन बब्बन? बब्बन पिछले कई साल से तुम्हारे लॉज में रह रहा है, यहाँ घर बना रखा है उसने। बब्बन? ओ वो? हाँ वो बब्बन। अच्छा अच्छा वो? अबे काम की बात कर, बुलाओ उसे यहाँ। लेकिन आप लोग कौन है? मैं बब्बन का अंकल हूँ, सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी। सीआईडी? क्या बात है साहब, कोई खून का तो चक्कर नहीं है ना? बिल्कुल, मामला खून का ही है। लेकिन साहब इसमें मेरे होटल की बदनामी तो नहीं होगी ना? बदनामी नहीं होगी अगर तुम हमारा साथ दोगे। चुपचाप बबन को यहाँ बुलाओ और हमारे बारे में बिल्कुल मत बताना। साहब इस वक्त वो कमरे में नहीं है, पता नहीं कहीं बाहर चला गया है। बाहर के? कहाँ गया? अब वो तो पता नहीं, वहाँ पर कहकर गया कि शाम को वापस लौट आएगा। ठीक है, बबन का कमरा दिखाओ, हम लोग तब तक वहीं इंतजार करते हैं उसका। ठीक है। सुनो। जी सर। सुनो साहब को बबन का कमरा दिखाओ। ओके चाहिए सर। रेडी विवेक, तुम लोग मैनेजर के साथ यहाँ पे रिसेप्शन पे रुको, जैसे ही बबन आए फोन कर देना। और मैनेजर साहब। जी सर। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बबन को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, समझे? जी सर। याद रखना मैनेजर साहब, अगर बबन हाथ से निकल गया ना तो हम लोग तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे। चलो सर, ये रहा बबन का रूम। ठीक है, देखिए क्या मिलता है यहाँ पे। विराज के फोटोग्राफ बबन के घर में, शूटिंग के फोटोग्राफ से
ये क्या? दो दो विराज? अभिजीत ये देखो, एक बार वैसा ही जैकेट जैसे विराज के घर से मिला था, इसका बटन भी टूटा हुआ है, धागा भी निकला हुआ है इसका। इसका मतलब ये बप्पन गया था विराज बन के मधुमती का खून करने के लिए विराज की जैकेट पहन के। बहुत भारी प्लानिंग की थी इस बब्बन ने, अब इसे हम अपनी प्लानिंग दिखाते हैं। राकेश कैसा है? बस बबन भाई आप ही की दुआ है। चल कमरे के चलते। वो क्या है, आपके बाथरूम में लीकेज है, पानी बहुत बह रहा है, इसलिए प्लम्बर को भेजा है रिपेयर करने के लिए। अबे चिरकुट, तेरे को कितनी बार बोला मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे की चाबी किसी को देने का नहीं। अरे बबन भाई, आपके कमरे में से पानी बहुत बह रहा था, मैंने सोचा आपका सामान खराब हो जाएगा इसलिए मैंने उसको वहां भेजा। अबे खजूर, गलती तो तब करेगा ना जब गलती करने के लायक रहेगा। बब बना रहा है कमरे में, उसका दिमाग बंद आया हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? आ रहा है बबन? ओके। कौन है वे प्लंबर? चल बाहर निकल। तेरी इतनी हिम्मत, बिना पूछे अंदर आ गया। मेरे कपड़े बाहर निकाल रहा है लंगूर, तेरी तो मैं। वो जैकेट अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि पहन के देख लूं, पर फिट नहीं हो रहा था। तो प्लंबर देखने में तो पहलवान लगता है। तो बबन है, देखने में तो हीरो लगता है, है? क्या नाम है उस हीरो का? डिस्को किंग विराज कुमार। विराज कुमार कौन हो तुम लोग? सीआईडी। CID? अबे बात कर रहा है। ए, चला जा से। देख मेरा पीछा मत कर वरना पूरा चाकू अंदर घुसोड़ दूंगा। चाकू मारेगा मुझे? हाँ मारूंगा। देखा कैसे मारते चाकू, देखा? ए शाने, देख मुझसे पंगा मत ले, एक खून पहले ही कर चुका हूँ और दूसरा भी कर सकता हूँ। अबे भुगता ही रहेगा, काटेगा भी। बस आप बस करो, माफ कर दो मुझे बस। मधुमती का खून क्यों किया तुमने? मधुमती बस विराज को फंसाने के लिए। तो तुम चाहते थे कि खून तुम करो और फंस जाए विराज, है? हाँ। और वो फंस भी जाता, फिर उसे दिल का दौरा नहीं आता और वो मरता नहीं तो जरूर फंस जाता। क्यों, बिगाड़ा क्या था विराज ने तुम्हारा? क्यों फंसाना चाहते थे तुम उसे? विराज को जो कुछ भी मिले, पैसे शहरत सब मेरी वजह से मिले, उसके लिए मैं फाइट करता, मार मैं खाता, वो पैसा बोले जाता, अरे ठीक से एक टांग भी नहीं चला सकता था और बन गया डिस्को किंग। मैं नाचता था, मैं। तो क्या हुआ इस काम के, तुम्हें भी तो पैसे मिलते थे? अरे साहब क्या मिलता था,
वो तो करोड़ों बना के, और मैं आज तक सड़क पर घूम रहा हूं। मतलब तुम जलते थे उससे? बस नहीं सर, जलता नहीं था, मैं उससे बदला लेना चाहता था। अरे उसने और मधुमती ने, दोनों ने कितनी बार सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। अरे एक बार उसके लिए फाइट करते हुए मैं बुरी तरह जख्मी हो गया, साल भर अस्पताल में पड़ा रहा। लेकिन एक बार भी उसने मेरे बारे में पूछा तक नहीं। बस बस, ये ज्यादा रोना धोना सुनाने की जरूरत नहीं है। मधुमती को मारने का आइडिया कहां से आया तुम्हें? उस दिन जब विराज उससे मिलने आया था तो मैं वहीं थी, मैंने उसका पीछा किया। किसी ने तुम्हें पहचाना कैसे? नहीं, चौकीदार शराब के नशे में धुत था और नौकरानी भी नहीं थी, वो मुझे पहचानती नहीं थी। प्लान तो अच्छा बनाया था तुमने, पर तुम्हारा बैड लक ही खराब था। बेचारा विराज उसी रात दिल के दौरे से मर गया और ये बबन फंस गया। अब जेल में बैठकर और प्लान बनाना, फांसी होने तक अच्छा टाइम पास हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.